2 दिवसीय बैंक हड़ताल। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान। एसबीआई धनबाद के मुख्य शाखा के समक्ष सैकड़ों की संख्या में जुटे बैंक कर्मियों ने जताया विरोध। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के निर्णय के विरोध में आज पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई, जिसका असर धनबाद में भी देखने को मिला। आज धनबाद के एसबीआई मुख्य शाखा के समक्ष सैकड़ों की संख्या में हड़ताली बैंक कर्मी जुटे और सरकार के फैसले का विरोध किया। वहीं इस दौरान हड़ताली कर्मियों ने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर इन्हें कॉरपोरेट घराने को देने के फिराक में है, जो बैंकों में कार्यरत कर्मियों के अलावा आम जनता के भी हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय हड़ताल धनबाद की लगभग 250 शाखाएं बंद रहेगी। साथ ही 500 करोड़ रुपए का प्रतिदिन लेन देन प्रभावित होगा, और अगर सरकार निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लेती है तो आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। निजीकरण की नीति वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। निजीकरण की नीति वापस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। राष्ट्रीयकृत बैंक जिंदाबाद, राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की सेवा में है, राष्ट्रीयकृत बैंक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का कारण यह है कि सरकार ने संसद में जो है वो घोषणा की है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो है वह निजीकरण करेगी। निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसके तहत समूचे बैंकिंग इंडस्ट्री के 9 यूनियन एवं एसोसिएशन यानी 100% कर्मचारी एवं अधिकारी हैं, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण यह है कि निजीकरण जो है प्रक्रिया वो कॉरपोरेट घरानों की देने की जो साजिश सरकार कर रही है, इन्हीं कॉरपोरेट घरानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा जो है वो लेकर के चुकाया नहीं है और उन्हें डुबोया है। 78% बैड लोन्स इन कॉरपोरेट घरानों के पास है। हमारी यह मांग है कि इनसे वसूली के कठोर कानून बनाए जाए और इनकी निजी संपत्ति भी जो है वो अटैच की जाए और आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको डिक्लेयर करके क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है इन पर तय की जाए। लेकिन सरकार ये नहीं करके इन्हीं लोगों को जिन्होंने बैंकों का पैसा डुबोया है वो सरकार इन बैंकों को देना चाह रही है, ताकि 147 लाख करोड़ रुपया जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में आम जनता का जमा है, इस 147 लाख करोड़ की मिल्कियत इनके हाथों में दी जा सके। बैंकों में भी, शाखाओं में भी जो है वह कारोबार होता है और 250 शाखाएं हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के धनबाद जिले में, और एवरेज अगर 2 करोड़ का आप मान लें एक ट्रांजेक्शन एक शाखा में, तो एक दिन में 500 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। क्यों विरोध, क्यों निजीकरण से परहेज क्यों आप लोगों को है? निजीकरण से परहेज इसलिए है क्योंकि निजीकरण अगर होगा तो हमारे जो पब्लिक है, हमारे पब्लिक को भी इसमें चार्जेज वगैरह की वसूली ज्यादा होगी, क्योंकि तो निजी जो बैंक हैं वो ज्यादा चार्जेज वसूली करते हैं, जो जनरल पब्लिक में वो उसका वसूली का कर जाएगा। और यहाँ सरकार प्राइवेट बैंक जो है वो अपने प्रॉफिट प्रॉफिट के हिसाब से अपना बैंकिंग चलाते हैं, जबकि हमारे सरकारी बैंक जो है प्रॉफिट के साथ हमारा जो है वो सामाजिक दायित्व भी होते हैं। हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है 99% जो है वो हमारे जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनके थ्रू ही गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। और हमारे सरकारी बैंक गांव-गांव तक फैले हुए हैं, जो प्राइवेट बैंक उस तरह के हैं नहीं जो उनको दे सके। अगर हमारे बैंक को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हम लोग भी कस्टमर से ज्यादा असूलित करेंगे, क्योंकि तो